अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने खुद अपनी बेटी को चोट पहुंचाई ताकि तुम्हें सबकी सिंपैथी मिल सके, ताकि तुम बेचारे लग सको। मलिष्का, ये गलती मत करना, भूल से भी ये गलती मत करना। मैंने कहा था, जिस दिन मैं इस घर में आई थी, जिस दिन मैंने इस घर में कदम रखा था, मैंने कहा था कि मैं इस घर की बहू नहीं, एक माँ बन के आई, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ आई। कहा था ना मैंने, इस घर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने सहन कर लिया, सब बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अगर मेरी बेटी को एक खरोच भी आई, अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश भी की, तो वो मेरा लक्ष्मी का नहीं, दुर्गा का रूप देखेगा। कहा था ना मैंने। एक मिनट, ये क्या दुर्गा दुर्गा लगा रखा है? कौन सा रूप और क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? किसे धमकी किसे दे रही हो, क्यों दे रही हो? जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, तो मतलब मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया ना, नहीं किया है तो अपने आप को भाग्यशाली समझो, एहसान मानो अपने भाग्य का, अपने सितारों का। लेकिन अगर तुमने कुछ भी गलत किया है तो यकीन मानो तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गुनाह के लिए पछतावा बहुत ही छोटा शब्द है। इसीलिए एक बार फिर से कह रही हूं और तुमसे ही कह रही हूं कि अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया है ना मलिष्का, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश किया ना मलिष्का, तो तुम मेरा लक्ष्मी का नहीं, दुर्गा का रूप देखोगी। लक्ष्मी, ये क्या कही जा रही हो? हाँ, मलिष्का कह रही है ना कि उसने कुछ नहीं किया, जब मेरी बेटी कह रही है तो मैं भी कह रही हूं ना कि अगर इसने ये नहीं किया है तो ये बहुत भाग्यशाली है, बच जाएगी। लेकिन जिस किसी ने भी मेरी बेटी का ये हाल किया है ना, उसका हाल भी बहुत बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मेरी बेटी के एक एक आंसू का, एक एक चोट का, उसकी एक एक चोट के दर्द का हिसाब चुकाना पड़ेगा। और जहां बात मेरी बेटी की आती है ना, वहां मैं माफ करने में विश्वास नहीं रखती, और मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। शट अप, शट अप। क्या तमाशा लगा रखा है और समझ के क्या रखा है हम लोगों को? कौन है हम, कौन है और इस घर को क्या समझ रखा है? अपना मोहल्ला, अपना गांव जो तमाशा कर रही हो यहाँ पे? क्या हो गया तुम्हें और क्या बोले जा रही हो? धमकी किसे दे रही हो तुम? किसे धमकी दे रही हो? और क्या मतलब है तुम्हारे कहने का कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ इस घर में कोई भी बुरा करेगा तो वो कोई और नहीं, मैं करूंगी। मलिष्का, कोई बुरा करना चाहता है या नहीं, लेकिन हमारी पारो के साथ तो बुरा हो गया है ना। चोट पहुंची है उसे, इसी घर में चोट पहुंची है। उस फूल सी नाजुक बच्ची को इतनी चोट, इतना दर्द सहना पड़ रहा है हम सबके होते हुए। तो उस मासूम के साथ गलत करने वाला वो बेरहम पत्थर दिल जो भी है, भुगतेगा जरूर, उसे भुगतना ही होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।